की तो हम इंग्लिश की लेक्चर कर रहे थे, ठीक है, सब्जी के ऊपर एग्रीमेंट हमने कर लिया था, कंडीशनल कर लिया था एंड एक्टिव वॉइसेस पैसिव वॉइसेस कर लिए थे, ठीक है। नाउ हमारे पास टॉपिक है आर्टिकल का। आर्टिकल यानी हम एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास एक इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाती है, ठीक है, और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना, ये हमारे पास कॉमन नाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट हमारे पास कौन कौन से, ए हैं और एन हैं, और डेफिनेट कौन से आपके पास, द है, ठीक है। द को कभी कभार कहते हैं कि इट इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट, द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ दिस और दैट के आपके पास, वो आपके पास द है। अच्छा, इनडेफिनेट आर्टिकल कॉमन नाउन के लिए यूज होते हैं। डेफिनेट देखो ना, नाम से ही जाहिर है, स्पेसिफिक के लिए द यूज होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो ना, तो तब क्या यूज़ होता है ये इनडेफिनेट आर्टिकल, कि जब उसकी चीज़ की दोबारा डिस्कशन आ जाए ना, मतलब अली इज़ आ बुआ है, पहले देखो ना, पहले हम ए लगाते हैं, ठीक है, फिर अगर हम दोबारा अली का जिक्र कर रहे हो ना, तो कर रहे, तो फिर हम उसके लिए दा लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आप किसी के जिक्र कर रहे हो ना, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, डेफिनेट आर्टिकल आप उसके लिए यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है कि क्या प्रॉपर नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लग सकता है, नो, प्रॉपर नाउन विल नॉट बी फॉलो बाय इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। प्रॉपर नाउन कभी इनडेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर नाउन को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, दा जो है ना, दा के बारे में आता है कभी कभार कि ये आपके पास यूज नहीं होता, किसके साथ, जब किसी मैन वुमेन को आप डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं पूरी क्लास उसकी, मैन इज मोर्टल, ठीक है, तो आप इससे पहले द नहीं लगा सकते। सेम वुमेन का भी यही केस है, ठीक है, उसके लिए भी आप द नहीं लगा सकते। अगर किसी पर्सन का नाम हो ना, मतलब कायद आजम, तो आप द नहीं लगा सकते, लेकिन अगर उसका लकब हो, टाइटल ऑफ द पर्सन, ठीक है, सॉरी, मोहम्मद अली जिना नाम है ना, तो आप दा नहीं लगा सकते, कायदे आजम तो उसका टाइटल है ना, तो टाइटल के साथ फिर आप क्या कर सकते हो, दा कायदे आजम दा आप फिर लगा सकते हो, ठीक है। जब भी कोई मेटाफर यूज हो ना, मेटाफर, मेटाफर सिमिली, ये हम फिगर ऑफ स्पीचेस में पढ़ेंगे, ठीक है। मेटाफर मीन्स आप कह रहे हो कि वो शेर है, ये मेटाफर है, ठीक है, ठीक है, और वो शेर जैसा है, तो ये फिर सिमिली है। जब भी आप मेटाफर यूज करोगे ना, मेटाफर, तो आप मेटाफर के साथ दा लगा सकते हो, ठीक है। और दा हम किस किस चीज़ के साथ लगा सकते हैं, आप दा को ओशंस के साथ लगा सकते हो, ठीक है। सेंटेंस में कोई ओशन आया, वहाँ पे उन लोगों ने दा नहीं दिया होगा, ए दिया होगा, तो वो जगह रॉन्ग होगी, वो स्पॉट द एरर होगा, ठीक है, तो आपने वहाँ पे दा लगाना है। आप समंदर हो, ओशंस के साथ लगा सकते हो, सीज के साथ लगा सकते हो, ठीक है, रिवर्स के साथ लगा सकते हो, नेशंस के साथ लगा सकते हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ आप लगा सकते हो, ठीक है, माउंटेन रेंजेस के साथ आप दा लगा सकते हो, ठीक है। डायरेक्शंस हो गए आपके पास, नॉर्थ साउथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया होगा, अब ये तो मैं उनका पूरी क्लास बता रहा हूँ ना, इसमें से वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप दा लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास हो गए शिप, हो गए जर्नल, हो गए मैगजीन, हो गए, इनके साथ आप दा लगा सकते हो। अब किस किस के साथ दा नहीं लगेगा, जब भी कोई बीमारीज वगैरह होंगी ना, डिजीजेस, उनके साथ आप दा नहीं लगा सकते, ठीक है। एक्सेप्शन फिर होती हैं, कैसे एक्सेप्शन, आपके पास मीजल्स हो गए, उसके साथ फिर आप दा लगाओगे, ठीक है। मम्स हो गया, ये तो बायो में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके साथ आप दा फिर लगा सकते हो, ठीक है। फ्लू हो गया आपके पास, क्रीप्स हो गया, ठीक है, फ्लू, इसके साथ आप दा लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो ना, बीमारियों के साथ नहीं लगा सकते, बट ये एक्सेप्शन, इनके साथ लगा सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, कंट्री के साथ हम नहीं लगाते, लेकिन थाईलैंड के साथ हम दा लगाते, प्रोविंसेस के साथ नहीं लगाते, लेकिन पंजाब के साथ लगाते, क्यों, रीज़न क्या है, देखो ना, पंजाब इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, ठीक है, तो थाईलैंड, पंजाब, मालदीव्स, ठीक है, सेम फिलीपींस, ठीक है, इनके साथ दा लगते हैं। द सिजोच रिपब्लिक हो गया आपके पास, इनके साथ भी दा लगता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन थी बीमारियों के, इनके साथ भी आपके पास दा लगता है, ओके,
तो ये हमारे पास यहाँ पे, फिर हम अपनी डिस्कशन आर्टिकल के ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे जो आर्टिकल है उनके फिर हम डिस्कशन करेंगे।